आइए आपको ले चलते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने बजट 2024 को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट के जरिए सहयोगियों को खुश रखने की कोशिश की गई है। सहयोगियों से सरकार ने अन्य राज्यों पर कीमत पर खोखले वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बजट के जरिए मोदी सरकार ने मित्रों को खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि AA संभवतः अडानी अंबानी को लाभ देने की यहां कोशिश की गई है, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने मोदी सरकार 3.0 के बजट पर कॉपी पेस्ट करार देते हुए कहा कि इसे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और पिछले बजट की नकल करार दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट पेश किया। इस बजट में NDA के सहयोगी दल JDU और TDP का विशेष ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए। बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले इस पैकेज पर जहां विपक्ष आरोप लगा रही है कि ये ऐलान मोदी सरकार को बचाने के लिए किए गए हैं, तो वहीं बिहार के CM नीतीश कुमार और TDP के सांसद केंद्रीय मंत्री ने इस बजट पर खुशी जताते हुए इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। न्यूरिज्म में 7.75 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री, बिहार को 59 तो आंध्र को 15,000 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। बजट में नई टैक्स रिजिम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री हो गया है, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ है। वहीं मोदी सरकार 3.0 ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। नेम प्लेट पर अड़ी योगी सरकार, SC के आदेश के बाद बढ़ गई है सियासत। यूपी सरकार नेम प्लेट और हलाल सर्टिफिकेट को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। खाद्य सुरक्षा मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। सरकार हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री नहीं होने देगी और कार्रवाई जारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से हलाल सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है। उन्होंने केंद्र के बजट को गरीबों के लिए लाभदायक बताया। कलयुग का श्रवण कुमार, बूढ़े माँ बाप को कंधे पर बैठा कर निकला कांवड़ यात्रा पर। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बीच एक युवक का वीडियो चर्चा में है जो अपने बूढ़े माता पिता को कंधे पर बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। लोग उसे कलयुग का श्रवण कुमार कह रहे हैं। वह हरिद्वार से गंगाजल लेकर मेरठ के लिए रवाना हुआ है। इसका नाम बिट्टू बताया जा रहा है, जो कि मेरठ जिले का निवासी है। ये हरकी पौड़ी से लेकर गंगाजल लेकर अपने माता पिता को कंधे पर बैठा कर निकला है और बिट्टू करीब 180 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेगा। गर्लफ्रेंड से बातचीत और मुलाकात हुई बंद तो कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया बॉयफ्रेंड, आवेदन देकर लगाई मिलन की गुहार। यश कुमार नामक युवक का प्रेम संबंध एक लड़की के साथ चल रहा था। युवक अपनी प्रेमिका से फोन पर बात करते रहता था, इसके अलावा बीच बीच में मुलाकात होती थी। लड़की के घर वालों को जब पता लगा तो उन्होंने मोबाइल फोन छुड़ा लिया और दोनों की मुलाकात भी नहीं हो पाई, तो युवक कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंच गया, अपनी प्रेमिका से मिलने की गुहार लगाई। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का मामला बताया जा रहा है। इधर जनदर्शन में इस तरह के आवेदन को देखकर अधिकारी और शिकायतकर्ता हैरानी में पड़ गए हैं, क्योंकि इस प्रकार के आवेदन इससे पहले कलेक्टर जनदर्शन में नहीं आए थे। अब लोग इस मामले को एक दूसरे को सुनाकर चटकारे ले रहे हैं। कमला हैरिस ने बाइडेन के इनकार के बाद 36 घंटे में ही अपने पक्ष में जुटा लिया बहुमत, बोली ट्रंप को जरूर हराऊंगी। बाइडेन के पीछे हटने के 36 घंटे के भीतर ही कमला हैरिस ने अपने पार्टी का समर्थन जुटा लिया है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मुझे मेरी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक समर्थन हासिल करने पर गर्व है। अगले कुछ महीनों में देश में यात्रा करूंगी और अमेरिकियों से हर मुद्दे पर बात करूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी पार्टी और देश को एकजुट करने के साथ ही ट्रंप को हराऊंगी। नीट पेपर लीक मामले में दोबारा परीक्षा आयोजित कराए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा आयोजित न करने का फैसला सुनाया है। रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह तय है कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, तो दोबारा परीक्षा कराने की मांग सही नहीं है, इससे छात्रों पर गलत असर पड़ेगा। हालांकि नीट परीक्षा का रिजल्ट फिर से घोषित किया जाएगा। ऐसे में पेपर में पूछे गए उन सवालों को लेकर हुआ है जिसके 2 सही जवाब थे। कोर्ट ने IIT दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक ऑप्शन 4 को सही मानकर दोबारा रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परीक्षा रद्द करने के गंभीर परिणाम होंगे और करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था। इससे एडमिशन प्रक्रिया में विलंब होता है, इसका असर मेडिकल एजुकेशन, हाशिए पर खड़े कैंडिडेट्स और भविष्य में डॉक्टर्स की संख्या पर भी पड़ता है। ओम बिरला की बेटी से संबंधित पोस्ट 24 घंटे में हटाए एक्स और गूगल। दिल्ली हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश। पिता की वजह से आईएएस बनने का किया था दावा। दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और एक्स को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया। इन पोस्ट में ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला पर आरोप लगाया था कि वो अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है। जस्टिस नवीन चावला ने अपने अंतरिम आदेश में एक्स, ट्विटर और गूगल से 24 घंटे के भीतर इन पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अज्ञात व्यक्तियों को बिरला के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया बिरला साबित करने में सक्षम है कि ये विचाराधीन पोस्ट मानहानिकारक है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।